चल गई है बाप की, आप आए थे तब ऐसे ऐसे करके लचक चल रहे थे, है ना, चल भी नहीं पा रहे थे, आपकी चाल बदल गई किसी देर में, दो सिटिंग में पूरा बदल गई चाल, अच्छे से चल रहे हैं नॉर्मल फ्री एकदम बिना दर्द के, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, यस अच्छा चल रहा है, आप उठने नहीं बदलने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि या तो आप रेगुलर आ जाइए, पूरा ट्रीटमेंट ले लीजिए, या तो फिर घुटने बदलवा लीजिए, ठीक है, 10 दिन ठीक। हाय हाय हाय, ये क्या है सर, ये आ आ आ ओ वाह, क्या सर ये, सही जगह पकड़ा, सही पकड़े, हाँ शुरू में ही दिलकर बताई पकड़ लिया, मालूम मुझे क्या समस्या होगी, दुखती रख पे हाथ सुनने का काम है, ठीक है सीधा 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 पूरा, हाँ मोड़ो मोड़ो सीधा करो, सीधा यस, छोड़ो आप सांस न खाओ, छोड़ो सांस पूरी, जो हो गई करे सो सही नहीं बताऊंगा, अब तो आपको बिल्कुल बताऊंगा, सांस तो छोड़ो, रोकी क्यों, करते रहो फटाफट,
भीतर होता अंतर अंतर क्या प्रॉब्लम के साथ आप यहाँ एडवांस फिजियोथेरेपी कर रहे थे? इतवार को जब आया था तो चल भी नहीं पा रहा था, मुझे दर्द हो रहा था, पैर ऐसा नहीं हो रहा था और इतवार को भी काफी रिलीफ मिला और आज बिल्कुल बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मैं पैर भी घुमा रहा हूँ ऐसे और चल भी रहा हूँ, मेरा पैर ऐसा नहीं हो रहा था। पर आपसे जो ट्रीटमेंट मिला है बहुत गजब का मिला है और बहुत शानदार मिला है, मैं चल के भी दिखा सकता हूँ। मैं चल भी नहीं पा रहा था तो बिल्कुल ऐसे चल रहा हूँ, सिर्फ तीन बार ही आया हूँ, मतलब तीन रोज हुए। आज आपकी कौन सी सिटिंग है? हाँ, आज दूसरी बार नहीं, मतलब ये हुआ हुआ तीन रोज है पर दो बार ही आया हूँ और दो बार में काफी रिलीफ मिला पर बिल्कुल बहुत बढ़िया रिलीफ। मैं चल नहीं पा रहा था ऐसे चल रहा था ऐसे और खड़ा नहीं हो पा रहा था। घुटने में तकलीफ थी? घुटने में बहुत ज्यादा। कितने समय से तकलीफ थी? ये तो मुझे काफी पुरानी है सर, पर पहले ट्रीटमेंट लिया था अच्छा हो गया था, अभी कुछ काम करने में या कुछ मेरे से मेरी गलती से कुछ वापस नस में तकलीफ आ गई थी पर अब रिलीफ काफी मिला है, देख लीजिए आप। आपका घुटना मुड़ नहीं रहा था और तकलीफ बहुत आ रही थी, चल नहीं पा रहे थे आप। नहीं पा, अभी ऐसा होगा? बिल्कुल मुड़ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। संतुष्ट हैं आप यहाँ इलाज करा कर? संतुष्ट बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक नंबर चल रहा हूँ। आप चाहे तो बैठक लगा के बता सकते। नहीं नहीं, अभी आपका कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन ज्यादा है तो आपको नीचे इस 2 फीट की हाइट से नीचे नहीं बैठना है, ठीक है? आलती पालती मार के नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट में नहीं जाना है, नीचे क्रॉस लेग सीट करके नहीं बैठना है। क्योंकि क्या है, आपके घुटने की जो गादी होती है ना, वो गादी, ये जैसे घुटना है तो ये इतनी गादी ही बची है, ये इतनी गादी घिस गई है, तो ये दोनों जो मीडियल कोंडाइल है आपस में टकरा रहे हैं, घिस रहे हैं और यहाँ ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं। ऑस्टियोफाइट छोटे छोटी स्पाइक्स निकल जाते हैं हड्डी के, तो वो आपस में टकराते हैं, क्यों? क्योंकि ये गादी घिस गई, तो वो गादी अगर ये घुटना बहुत ज्यादा मुड़ेगा तो वो ये जो बची हुई थोड़ी सी गादी है तो ये भी घिस जाएगी और जो ऑस्टियोफाइट से वो टकरा टकरा के बहुत ज्यादा दर्द देंगे आपको। तो जब तक भी अभी फिजियोथेरेपी करा के, इधर कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट करा के जितने दिन भी निकल रहे हैं उतना समय निकल जाए, मान लो अगर ये पूरा ही कोंडाइल घिस जाता है तो फिर अपने को इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि इसको जितना अपन बचा सके और जितने साल निकाल सके उतना अच्छा है, तो भी एक्सरसाइज के दम पे, फिजियोथेरेपी के दम पे भी चलते रहना है। तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलें, बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना है, साइकिलिंग करनी है आपको, साइकिलिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना? और या जिम में जाकर के क्रॉस ट्रेनर वगैरह एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, चला सकते हैं, उससे घुटना ज्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है ना? और एक्सरसाइज करना है रोज, और जो एक्सरसाइज हमने आपको डेमोंस्ट्रेशन दिया है वो करनी है रोज, और नीचे नहीं बैठना है, 2 फीट इस हाइट से नीचे नहीं बैठना है, कुछ हो जाए कुछ भी हो, तो जो घुटने का ये कार्टिलेज जितना बचा है वो बचा रहेगा और जितना लंबे समय तक अपन चला सकेंगे चला पाएंगे ओरिजिनल घुटने को, ठीक है? इतना सा आपको ध्यान रखना है। ओके सर, बढ़िया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, घुटने ठीक हो गए 2 सिटिंग में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके। सुबह शाम करने अपने को, जैसे आप उठोगे ना ये दोनों एक्सरसाइज करनी है और रात को सोने से पहले करना है 20-20 बार, ठीक है? हाँ, ये एड़ी दबा के रखो, आप ये एड़ी दबा के रखो नीचे, पंजा अपनी तरफ खींचो और ये वाला पैर बाहर घुमाओ और ऊपर उठाओ, बस इतना ही, और 20 तक गिनते गिनो। ये एड़ी दबा के रखना पूरे टाइम, ठीक है? अब ये वाला एड़ी दबाओ, ये जो अंगूठा है ये सीलिंग की तरफ रहेगा, ठीक है? बिल्कुल एड़ी दबा के रखो, ये पैर बाहर घुमाओ, पंजा खींचो और ऊपर उठाओ, हाँ बस बस होल्ड करो, इसको पंजा खींचो, हाँ जोर से जाकर दबाओ, हाँ दबाओ, बहुत अच्छे, यस, फिर एड़ी दबाओ, फिर ये घुमा के उठाओ, घुमा के उठाओ,
बहुत बढ़िया, ठीक है कर लेंगे आप ये, लेकिन ये सांस छोड़ते हुए उठाना है, मतलब आपने ये तेल की एड़ी दबाई, ठीक है एड़ी दबाई, पंजा खींचा, ठीक अब ये पैर बाहर घुमाया, पंजा खींचा, ऊपर उठाना है लेकिन फूंक मारते हुए, पेट अंदर जाना चाहिए, अच्छा फूंक मार के पेट अंदर ले जाओ, पेट अंदर अब उठा उसको ऊपर, यस इसको अंदर ले जाओ पूरा, यस समझ गए, जब भी उठाएंगे फूंक मार के पेट अंदर ले जाएंगे उसके बाद ही उठाएंगे, ओके अब ये वापस से करके बताओ, ये एड़ी दबाओ, ये पंजा खींचो, ये उधर घुमा दो, हाँ अब फूंक मारो, पेट अंदर ले जाओ, फिर उसको ऊपर उठाना है, पेट अंदर पेट अंदर पेट अंदर, वेरी गुड, इतना नहीं उठाना है, सिर्फ इतना बस, ठीक है कर लोगे आप, पाँव फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देखना है, ये हाथ दोनों एक दूसरे को देखना चाहिए, कमर से भी बस, अब बिना आगे झुके खड़े होना है, ये बॉल दबा के बिना आगे झुके फूंक मारते हुए ऊपर, फूंक मार के पेट अंदर जाना चाहिए, ठीक है और आप ऊपर उठेंगे, बहुत अच्छे, हाँ फिर बिना आगे झुके नीचे जाना है, वंडरफुल वंडरफुल, एकदम नहीं बैठना है, बस टच करके वापस ऊपर आ जाना है, पूरा बैठना नहीं है, उठ जाइए, बस बस टच करके वापस ऊपर आ जाना है, टच करके वापस ऊपर, हाँ बिना आगे झुके, बिना आगे झुके, यस गुड, उसको दबा के रखिए, वंडरफुल दबा के रखिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, गुड, ठीक है ये करना है, ओके बैठिए, क्या बस ये देखिए चाल कितनी, बस ये मेंटेन करो, घुटने दूर दूर, बस बस मेंटेन करो, गुड घुटने पीछे, हाँ बटा पीछे, बस मेंटेन करो, बस गुड, यहाँ से उठाओ ऐसे करो, बस मेंटेन दिस, ठीक है यहाँ से उठाओ ऐसे करो, बस थोड़ा घुटने पीछे ले जाओ, बस 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 इसी पोजीशन में रहना है थोड़ी देर, बस आनंद आ रहा है इस पोजीशन में जी, यहाँ से थोड़ा ऊपर, ये ओनली एकदम सी, आनंद आ रहा है, यही ले लिया आनंद, इसे ऐसे कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना है, बस यही रुकना है, जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर यही रुकना है, समझ गए क्या,